गुड एवरीवन, कोई भी जब प्रोडक्ट एक नया आता है या जब भी कोई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी प्रोडक्ट के तेजी से वो मार्केट में फिजिबल होगा या नहीं होगा, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। तो आज हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात भी करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इसका कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी दो तीन बहुत बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी इसके पीछे बहुत सीरियस है। पहली है फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज, नॉट इन अ वर्ल्ड, ग्लोबली शॉर्टेज जब होगी 10-20-50 साल के बाद होगी, बट इंडिया के पास वो शॉर्टेज पिछले बहुत सारे सालों से वो आज भी है। तो अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट कर लेता है, इस वजह को देखते हुए गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो ये एक रीज़न है जिसमें पॉलिटिकल रीज़न भी आ जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रीज़न भी आ जाते हैं। दूसरी वजह होती है ग्लोबल वार्मिंग। बाय डिफॉल्ट हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमें सेल्फ रिलायंट तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन साथ में हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जैसे वो कहते हैं सोने पे सुहागा, कि कुछ तो हम चाह रहे थे कि ये बढ़िया हो जाए, इसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई सॉल्व होती हैं। ठीक वैसे ही है अगर हम आज इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी में वो सारी चीज़ें बाय द गॉड ग्रेस इकट्ठी हो रही हैं जो एक वजह बनती है इसके कामयाब होने के लिए, और इसकी ज़रूरत भी है। और मज़े की बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, कामयाब टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर टेस्ला ने बहुत काम किया है। दे आर पायनियर और दे आर नंबर वन जिन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया। और आज इंडिया में टाटा जैसी इंडियन कंपनी बहुत तेज़ी से बहुत सारा काम कर रही है इसके ऊपर, करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत दम है, ये बहुत आगे जाने वाली है और ये हिंदुस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो इंजीनियरिंग में जो लोग भी हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, एज अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू भी, और एज अ एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर मैं कहूँ, और स्टार्टअप के बहुत सारे मौके आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो नई चीज़ बननी है तो सभी के लिए नहीं है, तो सभी के पास मौके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। Thank you very much for your kind words, sir.